हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने एलकेजी में अभ्यास किए थे, आज फिर से हम यहाँ पर वर्कशीट लेके फिर से में अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास। ओके, तो अभ्यास लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने कल चित्रों के नाम के अक्षरों पे गोला लगवाई थी, तो मैंने ले ली थी कहाँ तक, आपके चित्रों के नाम के अक्षर पे गोला लगाने के लिए मैंने आपको ली थी यहाँ पर क तक ली थी, शायद मैंने क और क के बाद मतलब चार उसमें से ली थी, क में से ली थी और उसके बाद में हाँ क तक लिए थे हमने। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं चित्रों के नाम के पहले अक्षर लिखो, है मिक्स वाला करेंगे। जैसे चित्रों के अक्षर नाम के पहले अक्षर का अभ्यास करते हैं स्वर का। तो स्वर में हम चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखो। ओके, लिखो। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं चित्रों के नाम में से हम कुछ, सबसे पहले यहाँ से स्वर ले लेते हैं। क्या लेंगे? स्वर। अब स्वर ले लेते हैं और फिर बाद में व्यंजन भी लेंगे, तो दोनों का मिक्स रिवीजन करवा रहे हैं हम वर्कशीट द्वारा। तो ये आपकी वर्कशीट है कि चित्रों के नाम के पहले अक्षर पे, तो हमने सबसे पहले ले लिए ओ, फिर अम, फिर उ, ए, ये ले लिया हमने। ओके, कुछ उसके बाद में हम इनका पहले चित्र बना लेते हैं। हमने चित्र बना लेते हैं सबसे पहले, सॉरी ओ, तो ओ से क्या बनता है ये देख लेते हैं। ये ओके, अब ये ओ से, तो ओ से चित्रों के नाम के पहले अक्षर में हम यहाँ तीन लाइन में लिखते हैं और ये चित्रों के नाम का पहला अक्षर। अब पहले अक्षर में सबसे पहले हमने ओखली का चित्र बनाया, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ओ, यहाँ लिख दिया हमने ओ। उसके बाद में हमने बनाया अम, अम का चित्र बना, अंगूर, अम से अंगूर, अंगूर का यहाँ पे हम पिक्चर बनाते हैं पहले इस तरह से, ये। उसके बाद यहाँ पर हम इसका पहला अक्षर लिख देते हैं अम, अम से अंगूर। ओके, उसके बाद में हमने एक शब्द लिखा है ऊ, अब ऊ से क्या होता है? उल्लू। ऊ से क्या होता है? उल्लू। ओके, इस तरह से। अब इसका पहला अक्षर लिख देते हैं ऊ, ये तीन लाइन में। उसके बाद में हमने एक अक्षर और लिखे ए। ओके, तो ए से एडी, ए से एना, है ना, ये तो ए। अब ए से हमने बहुत सारी चीजें पढ़े थे, उसमें से एक चीज लेते हैं कि ए से क्या होगा, तीन बताए थे आपको हमने। तो ए से हम एक तारा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक तारा। ओके, ये हमने एक तारे का चित्र बना दिए हैं, ये हो गया एक तारा। तो ये ए, यहाँ से ए से एडी भी होता है, ए से ओ भी होता है, एडी का एक तारा, तो ये तीन ले लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं और भी आपके बुक में कि क्या है पहला अक्षर का, यानी चित्रों के नाम के पहले अक्षर। तो चित्रों के नाम के पहले अक्षर में आप कुछ स्वर के साथ व्यंजन ले लेते हैं। व्यंजन में ले लेते हैं ग, क, फिर घ और ख। कितने अक्षर ले लिए? एक दो तीन चार स्वर के, फिर एक दो तीन चार व्यंजन के, है ना। पहले आप ये स्वर में जो मैंने चार शब्द बताई उसको देख लीजिए कि चार शब्द कौन कौन से हैं। ओखली का चित्र है तो ओ ओखली का,
अंगूर का चित्र है तो अंगूर का, फिर ओ उल्लू का फर्स्ट मतलब और ए ए ए का ए या एक तारा, चार ही अंक है। ओके भाई, इसके बाद में हम लेते हैं ग। अब ग से हम जो पिक्चर पिक्चर बनाते हैं यहाँ ग, ग से जो पिक्चर बनेगा इसका पहला अक्षर ग आएगा। अब ग से हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या आएगा। यहाँ पे हमने गमले का चित्र बना दिए हैं, इस तरह से। ओके, ग, ग से गमला। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर तीन लाइन में ये ग। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड अक्षर लिखे हैं क। अब क से क्या बनेगा, कमल का फूल, कमल। ओके, ये इस तरह से हम यहाँ बना देते हैं ऐसे। अब इसका पहला अक्षर क्या आएगा, क। ओके, उसके बाद आता है घ। अब पहला अक्षर घ, तो चित्र बना लेते हैं पहले घ। तो घ से क्या होता है कि अब हम यहाँ पर घड़ी बना देते हैं। ओके, यहाँ पर घड़ी बना देते हैं, तो ये घ से घड़ी पहला अक्षर लिख दिया। उसके बाद में है ख। अब ख से खरबूज, क्या आएगा, ख से खरबूज, ख से खरबूज। ओके, तो यहाँ पर हमने ये खरबूज का चित्र बना दिया, तो ये ख, ये पहला अक्षर लिख दिया। अब हमने ये वर्कशीट में आपको स्वर और व्यंजन दोनों का मिक्स रिवीजन करवाए ये वर्कशीट में। तो आपने कुछ चार अक्षर ले लिए स्वर के, ओ अम उ ए, ग क घ ख। तो स्वर और व्यंजन दोनों का हमने आपको दोनों अक्षरों के इसके मिलाकर व्यंजन के और स्वर के एक वर्कशीट करवाया। अब वर्कशीट में यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर बनाए, ओखली, अंगूर और उल्लू और एक तारा। अब ओ ओखली का, तो उसका पहला अक्षर क्या आया, ओ। और अंगूर का, तो अम अंगूर का, फिर ओ उल्लू का, उल्लू का चित्र है तो ओ उल्लू का, एक तारा तो ए से एक तारा। उसके बाद आता है व्यंजन, तो ग से गमला, क से कमल, घ से घड़ी, ख से खरबूज। तो ये क्या है, पहले अक्षर इन चित्रों को देख के लिखे, ओ अम उ ए, फिर ग क घ ख। तो ये हो गया आपका एक वर्कशीट में अभ्यास। इसके पहले हमने गोला लगाना सिखाए थे मिक्स करके स्वर और व्यंजन, और अब हमने आपको ये सिखाना है। तो ये आपको इसी तरह से पढ़ना है कि चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखो। ये आपको यहाँ पर ओ अम उ ए ग क घ ख, यानी यहाँ पर क्या है ये वर्कशीट में, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन ये। ओके, तो ये स्वर और व्यंजन है, तो ये उनके अक्षर का पहला अक्षर का चित्र बना के पहला अक्षर हमने लिखे। ओके, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ओखली का, अंगूर का, उल्लू का, एक तारा, ए से एक तारा, फिर घ गमले का, क कमल का, घ घड़ी का, क खरबूज का। अब आप इसको देखिए कि ये कैसे स्वर और व्यंजन मिक्स करके हमने आपको एक वर्कशीट पढ़ाया। इसके पहले हमने कुछ अक्षरों पे गोला लगाना सिखाए थे, आज हमने स्वर और व्यंजन का मिक्स करके ये वर्कशीट आपको करवाया। ये आपको इसी तरह अपनी कॉपी में करना है, और कॉपी में करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप उसको सेंड करेंगे, तो ये आपका स्वर और व्यंजन का जो है, स्वर और व्यंजन का अभ्यास यानी वर्कशीट में अभ्यास, जो आपको मैंने पहले पढ़ाई थी, लेकिन अभी मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने स्वर पढ़ाई थी चित्रों के अनुसार, फिर व्यंजन पढ़ाई थी, लेकिन जब मैंने स्वर स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स करके इसको आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मिलाकर कुछ अक्षर मिलाकर यहाँ पर मैंने अभ्यास करवाई। इसके बाद भी हम आगे अलग कुछ अभ्यास करवाएंगे स्वर और व्यंजन मिला के, जिसमें आपको ये करते आ जाएगा। तो ये आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में करते हुए छोटे छोटे वीडियो भेजना है।
यह आपका होमवर्क है कि आप बोर्ड पे देख लीजिए कि आपको कैसा करना है इसको और किस तरह से करना है। ओके, तो ये आप इसी तरह से करते हुए छोटी छोटी वीडियो सेंड करेंगे। ये आपकी बुक में से ही मैंने करवाई हूँ अभ्यास। ओके, आपकी बुक में से ही मैं आपको अलग अलग तरीके से वर्कशीट टाइप अभ्यास करवा रही हूँ। तो आपको ये करते हुए छोटे से वीडियो सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।